गुड मॉर्निंग टू ऑल। इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टुडे आई विल डिस्कस अबाउट यूनिट थर्ड, द मस्कुलर सिस्टम। इन दिस यूनिट वी विल कवर टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, एंड सेकेंड वन इज मसल्स ग्रुप, एंड थर्ड वन इज अल्टरेशन इन डिसीज एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशंस इन नर्सिंग। सो व्हाट इज मसल्स टिश्यू? मैंने पहले भी बताया था मसल्स टिश्यू क्या होते हैं। ये मेन थ्री टाइप के होते हैं, उनका हम एक एक करके डिस्क्रिप्शन करेंगे। द मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। ये जो मसल सेल्स होती हैं ये स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल मीन्स इनमें क्षमता होती है सिकुड़ने की और फैलने की, ऑल्सो कॉल्ड फाइबर्स। इन मसल्स को फाइबर्स भी बोलते हैं। दे आर थ्री टाइप ऑफ मसल्स। ये मेन थ्री टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर हॉलो ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। ये मैंने पहले भी जब टिश्यू पढ़ाए थे बताया। नेक्स्ट है कार्डियक। कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं। एंड स्केलेटल। स्केलेटल मसल्स हमारे बॉडी में अंडर कॉन्शियस कंट्रोल होते हैं, और स्केलेटल मसल से हमारा पूरा स्केलेटन यानी बॉडी मूव करती है। ईच डिफरिंग इन स्ट्रक्चर। प्रत्येक जो मसल्स टिश्यू होते हैं ये स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लोकेशन एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इनका लोकेशन यानी इनका कहाँ पे ये टिश्यू फाउंड होते हैं वो, प्लस फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ये भी इनका डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्मूथ मसल्स। स्मूथ इनवॉलेंट्री और नॉट स्ट्रेटेड मसल्स इज नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, मतलब हम इनको चाह करके हम इनसे अपना काम नहीं करा सकते हैं। जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले और हमारे आर्टरीज और वेन्स में जो टिश्यूज पाए जाते हैं, जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं, इनमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है। द सेल्स आर स्मॉल। इनके जो सेल्स होती हैं स्मॉल होती हैं एंड हैव वन न्यूक्लियस, एंड इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है एंड स्पाइंडल शेप की ये होती हैं स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट पॉइंट, स्मूथ मसल्स फॉर्म्ड सीथ इन वॉल ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स। ये हॉलो ऑर्गन्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं। एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जहाँ पे ट्यूब फॉर्म होती हैं ऐसे स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। टू रेगुलेट डायमीटर एंड प्रोपेल सबस्टेंसेस थ्रू ट्रैक्ट्स। ये हमारे डायमीटर को रेगुलेट करते हैं। डायमीटर मतलब लंबाई चौड़ाई, जैसे हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं वो फैलने और सिकुड़ने में ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं काम करते हैं। एंड प्रोपेल सबस्टेंसेस थ्रू ट्रैक्ट्स, एंड कुछ सबस्टेंसेस जो होते हैं उन किसी हॉलो ऑर्गन्स में पाए जाते हैं तो उनको प्रोपेल मतलब आगे की ओर धक्का देने में भी काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स इज फाउंड एक्सक्लूसिव इन द हार्ट वॉल। ये सिर्फ हार्ट में ही ये कार्डियक मसल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल। ये मेन थर्ड टाइप का है। दिस टाइप ऑफ मसल्स ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री। इन मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, बिकॉज दे आर कॉन्शियस कंट्रोल, क्योंकि इनमें हमारा कंट्रोल होता है। दीज मसल्स आर अटैच टू बोन। ये मसल्स हमारी हड्डियों से अटैच होती हैं वाया टेंडन। टेंडन ऐसा जगह है जिसमें बोन और हड्डियों का अटैचमेंट होता है। एंड आर यूज टू मूव द स्केलेटन। तो ये जो टिश्यू होते हैं ये हमारे स्केलेटल को मूव करने में हेल्प करते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिफर टू एज स्ट्रिप्ड और स्ट्रेटेड मसल्स। इनका दूसरा नाम स्ट्रिप्ड और स्ट्रेटेड मसल्स भी होता है, बिकॉज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बैंडेड पैटर्न ऑफ सेल्स सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। बिकॉज ऑफ इनके जो सेल्स होती हैं वो बैंडेड पैटर्न में हमारे माइक्रोस्कोप से देखने पर फाउंड होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। हमारे स्केलेटल मसल, जैसे कि आप ये सामने फिगर में देखिए, ये हमारी फेसियल यानी चेहरे पे पाई जाने वाली मसल्स का पिक्चर है, एंड हमारे नेक गर्दन पे पाई जाने वाली मसल्स का है। द मसल्स कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मसल्स फाइबर। जो मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स के, तो ये लार्ज नंबर ऑफ मसल्स फाइबर में यानी बहुत सारे मात्रा में मसल्स फाइबर को कंटेन रखते हैं। द एंटायर मसल्स इज कवर विथ कनेक्टिव टिश्यू।
जो पूरी मसल्स होती है वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू से कवर होती है, जिसको एपिमाइसियम बोलते हैं। विद इन द मसल्स द सेल आर कलेक्टेड इन टू सेपरेट बंडल्स। अभी हम इसको एक पिक दिखा रहे हैं आपको, ये जो आप देखिए, ये इंटायर मसल्स हैं, इसके इंटायर मसल्स के फाइबर्स हैं जो कि हमारे कवर हुए हैं एपिमाइसियम। ये देखिए, एपिमाइसियम से कवर है यहाँ पे विद इन द मसल्स, एंड द सेल आर कलेक्टेड इन टू द सेपरेट बंडल। जो इसके छोटे छोटे जो सेल्स हैं वो सेपरेट बंडल में कलेक्ट होते हैं, जिसको फैसिकल्स बोलते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें फैसिकल्स भी दिया हुआ है। एंड ईच फैसिकल्स इज कवर्ड इट्स ओन कनेक्टिव टिश्यू सीथ कॉल्ड पेरीमाइसियम। ये इंडोमाइसियम था ऊपर, उसके बाद ये पेरीमाइसियम है, फिर इपीमाइसियम सबसे लास्ट लेयर। ईच रैप्ड इन अ फाइन कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड इंडोमाइसियम। इंडोमाइसियम आप देख रहे हैं सबसे अंदर वाली लेयर होती है। नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द एक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। हमारा जो स्केलेटल मसल्स होता है वो कैसे एक्शन करता है, मीन्स कैसे मूव करता है या कैसे वर्क करता है। व्हेन इंडिविजुअल मसल्स सेल इन अ मसल्स शॉर्टन, जब कोई भी इंडिविजुअल मसल्स होती है वो शॉर्ट होती हैं, दे पुल ऑन द कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू के फ्रेमवर्क को खींचता है, रनिंग थ्रू द होल मसल्स, जो कि होल मसल्स में ये काम होता है। एंड द मसल्स डेवलप अ डिग्री ऑफ टेंशन, टोन, जिसको टोन बोलते हैं। तो वो पूरी पूरी जो मसल्स होती है पूरी स्ट्रेटेड हो जाती है, पूरी सिकुड़ जाती है, और उसमें एक डिग्री ऑफ टेंशन बनता है, जिससे कोई भी स्केलेटल का पार्ट होगा या जिस जगह पे अटैच होगा तो वो पूरा खिंच जाता है, तो जो हमारे जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे वर्क करने लगते हैं। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग स्केलेटल मसल्स परफॉर्मेंस, मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी स्केलेटल मसल्स के परफॉर्मेंस को रिड्यूस करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं। स्केलेटल मसल्स परफॉर्म बेटर व्हेन इट्स रेगुलरली एक्सरसाइज्ड। स्केलेटल मसल्स अच्छे से काम तभी करती हैं जब रेगुलर एक्सरसाइज किया जाता है। ट्रेनिंग इम्प्रूव एंड्योरेंस एंड पावर। एनारोबिक ट्रेनिंग सच एज वेट लिफ्टिंग इंक्रीज मसल्स बल्क बिकॉज दे इंक्रीज द साइज ऑफ इंडिविजुअल फाइबर्स। जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि कोई वजन उठाना, या फिर इंक्रीज मसल्स बल्क यानी लगातार एक्सरसाइज करते रहना, तो ये मसल्स के फाइबर्स को लगातार इंक्रीज करता रहता है, जिसकी वजह से हमारी जो मस्कुलर सिस्टम होती हैं वो और स्ट्रांग होने लगती हैं। नेक्स्ट है, एजिंग रिड्यूस द साइज ऑफ मसल्स फाइबर एज वेल एज देयर इंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ। एजिंग मीन्स कि लगातार उम्र बढ़ते रहने से जो हमारे मसल्स फाइबर होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं और उनकी मजबूती भी कम हो जाती है। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रिंसिपल ऑफ स्केलेटल मसल्स। हम स्केलेटल मसल्स के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ स्केलेटल मसल्स में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे मसल्स ऑफ द फेस एंड नेक। जो ये आप पिक देख रहे हैं, इसमें फेस सम मसल्स दी गई हैं, इसमें चेहरे की और गर्दन की। उनमें से कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप फिगर में देखिएगा, ऑसिपिटो फ्रंटालिस ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई लेवेटर पैल्पिब्री। नेक्स्ट है बक्शीनेटर। नेक्स्ट है ऑर्बिकुलरिस ओरिस। नेक्स्ट मैशेटर। एंड नेक की है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। एंड नेक की और भी एक है ट्रेपेजियस। नेक्स्ट है टेम्पोरालिस। नेक्स्ट मसल्स ऑस्पिटोफ्रंटालिस। तो ये सारी मसल्स हैं जो कि हमारे फेस में पाई जाती हैं और नेक में पाई जाती हैं। तो हम इन सारी मसल्स की स्पेशलिटी बताते हैं कि एक एक मसल्स किन किन वर्क को करती है, मतलब एक इंडिविजुअल मसल्स का क्या काम होता है।
और ये ओरिजिन कहाँ से होती है, मींस ये मसल्स स्टार्ट कहाँ से होती हैं और इंसर्ट यानी इनका एंड कहाँ पे होता है, तो हम एक एक करके इनका डिस्क्रिप्शन करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मसल्स ऑफ द फेस। मैनी मसल्स आर इन्वॉल्व इन चेंजिंग फेशियल एक्सप्रेशन। बहुत सारी मसल्स जो होती हैं जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज करती हैं, एंड विथ मूवमेंट ऑफ द लोअर जॉ, और हमारे जो निचला वाला जबड़ा होता है जिसको मैंडिबल बोलते हैं, तो उसके मूव करने में काम हेल्प करती हैं, एंड च्यूइंग जब हम कुछ चबाते हैं यानी खाते हैं उस समय पे हेल्प करती हैं, और कुछ मसल्स होती हैं जो स्पीकिंग यानी बोलने पे हेल्प करती हैं। ओनली द मेन मसल्स आर डिस्क्राइब हियर। इनमें से हम मेन मसल्स हम बता देंगे कौन कौन सी हैं, एक्सेप्ट वेयर इंडिकेटेड द मसल्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स वन ऑन ईच साइड, यानी पेयर्स में कौन सी हैं और अनपेयर्स में कौन सी है, ये हम एक एक मसल्स करके डिस्क्रिप्शन करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑस्पिटो फ्रंटालिस। वीडियो में देखिए, ये जो मैं पेन से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये हमारी मसल्स होती है ऑस्पिटो फ्रंटालिस। ये पेयर में नहीं होती है, ये सिर्फ सिंगल एक ही हमारी एक ही मसल्स होती है। दिस कंसिस्ट ऑफ पोस्टीरियर मसल्स मस्कुलर पार्ट ओवर द ऑस्पिटल बोन। तो ये जो बोन होती है तो हमारे पोस्टीरियर पार्ट को भी कवर करती है, ऑस्पिटल बोन को, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी फैली हुई होती है, एंड एंटीरियर पार्ट ओवर द फ्रंटल बोन। तो एंटीरियर पार्ट ये जो देख रहे हैं ये, तो ये एंटीरियर पार्ट को कवर करती है, और ऑस्पिटो फ्रंटालिस ये पोस्टीरियर पार्ट को भी, यानी ये मसल्स यहाँ से लेकर के यहाँ, ऑस्पिटो फ्रंटालिस यहाँ से यहाँ तक पूरी होती है, जो कि पिछले वाले पोर्शन को और अगले पोर्शन को दोनों को कवर करती है। तो ऑस्पिटो फ्रंटालिस जो होती, तो ये दो बोन के नाम से मिलकर के बनी है, ऑस्पिटो यानी ऑस्पिटल बोन, फ्रंटालिस यानी फ्रंटल बोन, तो ये दोनों बोन के ऊपर पाई जाती है। एंड एक्सटेंसिव फ्लैट टेंडन और एपोन्यूरेसिस दैट स्ट्रेचेस ओवर द डोम इन द स्किल जॉइंट्स द टू मस्कुलर पार्ट इट राइजेस द आईब्रो। यानी जो हमारी ऑस्पिटो फ्रंटालिस मसल्स होती है ये फ्रंट में यहाँ भी पाई जाती है, फोरहेड में और बैक में भी पाई जाती है, और इस मसल्स का काम होता है हमारे आईब्रो यानी जो हमारी भौहें होती हैं उनको ऊपर की ओर उठाना यानी राइजेस करना। नेक्स्ट लिवेटर पैल्पिब्रा सुपीरियोसिस। लिवेटर पैल्पिब्रा सुपीरियोसिस, दिस मसल्स एक्सटेंड फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी। जो लिवेटर पैल्पिब्रा सुपीरियोसिस होती है, तो लिवेटर पैल्पिब्रा आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये वाली मसल्स हैं, ये आँखों की पुतलियों के जस्ट ऊपर होती है। दिस मसल्स एक्सटेंड फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी। ये ऑर्बिटल कैविटी जो आई का सॉकेट होता है उसके पोस्टीरियर पार्ट से बनती है ये मसल्स। और नज़दीक से दिखा देते हैं, ये वाली मसल्स लिवेटर पैल्पिब्रा सुपीरियोसिस। नेक्स्ट है इसी पॉइंट में टू द अपर आईलिड, यानी ये मसल्स होती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी से स्टार्ट होती हैं, एंड ये कहाँ तक आती है, अपर आईलिड, ये आईलिड के ऊपरी पोर्शन तक, इट राइजेस द आईलिड, और ये आँखों को यानी आईलिड को ओपन करने का काम करती है। इट मीन्स कि हमारे आईलिड को राइज करती है, ऊपर की ओर खींचती है। नेक्स्ट है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, ये मसल्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये होती है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, यानी आँखों के पूरी सराउंडिंग में पाई जाती हैं यानी चारों तरफ। दिस मसल्स सराउंड द आई, यानी आँखों के चारों ओर है आईलिट एंड ऑर्बिटल कैविटी, आईलिट के भी और ऑर्बिटल कैविटी के भी सराउंड पे होती है। इट क्लोजेज द आई, जब हम आँख को बंद करते हैं तो ये उसमें ये मसल्स हेल्प करती हैं। Strongly contracted screw up the eye, जब हम आँखों को बहुत तेज से खींचते हैं तो ये इसी मसल्स की वजह से हम अपने आँखों को बहुत तेज़ी से बंद कर पाते हैं।
नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द बक्सीनेटर मसल्स. ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये बक्सीनेटर दिस फ्लैट मसल्स, ये एक चपटी मसल्स होती है ऑफ द चीक, यानी हमारे गाल की एक चपटी मसल्स होती है यहाँ पे. ड्रॉन टू द चीक टुवार्ड द टीट, यानी ये दांतों की ओर तक ये पूरी फैली हुई होती है. इन च्यूइंग एंड द फोर्सेबल एक्सपल्सन ऑफ एयर, यानी ये चबाने पे, यानी जब हम कुछ चबाते हैं तब भी ये मसल्स हेल्प करती हैं, एंड जब हम बहुत तेज़ी से हवा को बाहर निकालते हैं अपने मुंह से तब भी ये मसल्स काम करती हैं. इसीलिए इसको ट्रम्पीट्स मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि हम इससे बहुत तेज़ी से फोर्सफुली एयर बाहर निकाल सकते हैं. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑर्बिकुलरिस ओरिस. ये जो लिप अपने होठों के सराउंडिंग पे ये मसल्स देख रहे हैं ये होती है ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स. ये अनपेयर्ड होती है, अनपेयर्ड मीन्स कि ये पेयर में नहीं पाई जाती है, ये सिंगल मसल्स होती है. दिस मसल्स सराउंड टू माउथ एंड ब्लेंड द मसल्स विद द चीक. ये हमारे मुंह के चारों ओर पाई जाती है एंड ब्लेंड विद द मसल्स ऑफ द चीक, यानी जो हमारे गाल की मसल्स होती हैं उनके साथ ये मिक्स हो जाती है. यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ज्वाइंट जो दिख रहा है आपको. व्हेन स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रैक्टेड, ये जब बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ती है. सेव द माउथ फॉर फिस्टलिंग, जब हम सीटी बजाते हैं, सीटी बजाने के लिए जो भी माउथ का शेप होता है तो उस शेप को इस मसल्स, यही मसल्स प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैसेटर मसल्स. ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंडिबल के इस साइड पे, ये होती है हमारी मैसेटर मसल्स. दिस इज द ब्रॉड फ्लैट मसल्स. ब्रॉड मतलब ये यहाँ से यहाँ तक देखिए कितनी चौड़ी भी है, और फ्लैट यानी चपटी मसल्स भी होती है. एक्सटेंड फ्रॉम द जाइगोमैटिक आर्च, ये जो जाइगोमैटिक आर्च होता है ये यहाँ पे यहाँ से होती है. एंड ड्रॉ फ्रॉम द मैंडिबल अप टू द मैक्सिला, तो यहाँ से लेकर के ये मैंडिबल तक ये पूरी फैली होती है. नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग द जॉ एंड एक्सर्ट कंसिडरेबल प्रेशर ऑन द फूड. तो ये हमारे जो जबड़ा होता है यानी निचला जबड़ा, तो इसको क्लोज यानी बंद करने में ये हेल्प करती है. एंड जब हम किसी फूड को प्रेशर से च्यू करते हैं, यानी प्रेशर से उसको फोड़ने की कोशिश करते हैं दांतों से या निगलने की कोशिश करते हैं, तो उस साइड पे तो ये मसल्स प्रेशर देती हैं, यानी हम दांतों को जितना भी प्रेशर दे सकते हैं तो इसी मसल्स की वजह से पॉसिबल होते हैं. नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द टेम्पोरालिस मसल्स. टेम्पोरालिस, टेम्पोरल बोन के पास भी मसल्स पाई जाती है. ये देखिए ये टेम्पोरल बोन होती है, और टेम्पोरल बोन के पास में जो ये मसल्स है ये टेम्पोरालिस मसल्स होती है. दिस मसल्स कवर द स्क्वामस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ये टेम्पोरल बोन का स्क्वामस पार्ट को ये कवर करती है. इट पासिस बिहाइंड द जाइगोमैटिक आर्च, और ये पास होकर के जाइगोमैटिक आर्च तक ये फैली होती है. टू बी इंसर्टेड इन टू द क्रोनॉइड प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल, ये जो मैंडिबल देख रहे हैं ये मैंडिबल, तो ये यहाँ से आकर के यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है, यानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है. इट क्लोजेज द माउथ, ये मुंह को बंद रखने में भी काम करती है. एंड असिस्ट विद द च्यूइंग, और चबाने में भी ये हेल्प करती है. नेक्स्ट एंड लास्ट वी आर डिस्कस अबाउट द ट्रेगोइड मसल्स. दिस मसल्स एक्सटेंड फ्राम द स्फेनॉइड बोन्स, ये हमारी स्फेनॉइड यानी इन साइड होती है ये मसल्स, तो ये हमारे स्फेनॉइड बोन से मैंडिबल तक होती है, यानी ये जो मैंडिबल देख रहे हैं ये मैंडिबल तक ट्रेगोइड मसल्स होती है. इट क्लोजेज द माउथ, ये मुंह को बंद करने में काम आती है. एंड पुल द लोअर जॉ फॉरवर्ड, एंड जो हमारे निचला जबड़ा होते हैं उसको फॉरवर्ड यानी आगे की ओर, जो जबड़ा को हम करते हैं तो उस आगे की ओर फॉरवर्ड करने में भी ये हेल्प करती है. सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमने
कुछ मसल्स टिश्यू पढ़ा और मसल्स टिश्यू के बाद कुछ प्रिंसिपल ऑफ स्केलेटल मसल्स पढ़े। प्रिंसिपल ऑफ स्केलेटल मसल्स में हमने आज फेशियल एक्सप्रेशन यानी फेशियल में पाई जाने वाली सारी मसल्स के नाम प्लस उनका काम क्या है यानी फंक्शन क्या है और उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यानी कहाँ से इंसर्ट होती है और कहाँ से स्टार्ट होती है ये भी हमने देखा। एंड नेक में पाई जाने वाली मसल्स ये भी हम सिर्फ दो ही तीन होती हैं तो इनका हम डिस्क्रिप्शन कल की डेट में करेंगे। सो थैंक यू।